हलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीआरपी समेल इनकी नम्बर पाकपो रेसिपी केक सीसन वीटल उचे सुलभम केक से मोदान पुरान पत्रला उन्े कल कप मैदा और कप पड़िया कट पड़ मं अरे कप सुगर कल कप पाल कल कप रीफंड आयिल नहीं बटरकूड़क वनिला एसेंस और टी स्पून बेकिंग पाउडर और अरे टी स्पून बेकिंग सोडा और मिक्सि जार सेतुकलांग अदकूट सुगर सेतुकल अरेस्ट वंदर फाइना अरेस्ट वंदर मिक्सिंग बाउल को माथिकल माता इव आड पड़ी इतकूट बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर रेड सेतुकल मिक्स पड़ा इतने नम्बर एड़ पाल और रे ड्राप्स वनिला एसेंस चेत्तु नल्ला मिक्स पन्निक्कलांगा नाला मिक्स पड़िया रेडी टूटी फ्रूटी वा सेतुकल ना सेक अलग नट्स कूड़े सेतुकल इप्शन से ना मिक्स पड़ी मावु रेडी आम केक चीरे पात्र माता इन केक चीर पात्र नाल ग्रीस पड़ा केक वटा इतम लाइटा मैदा मावु तूवी विटकलांग बटर शीट विरिका मैदा मावु तूविक्रांग केक चीर पात्र रेडी आगे इवे सेक इटा टैप पड़ा इास्टा मेल कुछ टूटी फ्रूटी तूविक मोदी और कुकरे प्री हीट पड़ा कल उप चेतरक वलकम उपा यूस पड़े तनिया वीन नेक्स्ट टाइम चेजिल यूस पड़ा अदल और स्टैंड पटकल
ஸ்டாண்ட் இல்லைனா டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி அல்லது ஏதாவது ஒரு பிளேட் கவுத்திக்கோங்கங்க. அப்படின்னா தான் பாத்திரத்தில் பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ அதோட மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாங்க. 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ கேக் பாத்திரத்தை உள்ள வச்சுக்கலாம். விசில் போட தேவையில்லைங்க. ஒரு 35 லிருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகுங்க. இப்போ ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வெந்திருச்சான்னு பார்க்க ஒரு நைஃபை விட்டு செக் பண்ணலாங்க. நைஃப்பில் ஒட்டலைங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வெளியே எடுத்துக்கலாம். கேக் வெளியே எடுத்து வச்சு நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. இப்போ இது ஓரங்களை கத்தியால் லைட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம். கேக் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்குங்க. அருமையான சாஃப்டான மாம்பழ கேக் ரெடி.